स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है हम रोज़ाना आज से जो है 5 से 7 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और ये रोज़ाना चलने वाली है सीरीज़। रोज़ाना आपको ये सुबह या तो 4 बजे हम इसका टाइम रख लेंगे, या फिर इसका टाइम हम रख लेंगे रात को 9 बजे। आप जो भी सूटेबल हो आपको, आप वो टाइम जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये रोज़ाना सीरीज़ चलेगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम। तो पहला ऑप्शन आपका है, एनपीएस इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम मैनेज्ड बाय PFRDA। दूसरा है, एनपीएस कैन बी ज्वाइंड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ओनली, नॉट बाय NRI। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट गंभीरता से जो है ध्यान देने वाला है दोस्तों। अभी आप इसका आंसर बिल्कुल मत देखिएगा, अभी सी ऑप्शन देख लीजिए, बोथ आर करेक्ट, और डी है, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे नॉट बाई NRI, ये ऑप्शन जो है इस पे आप ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, आंसर इसका है ए। अब देखिए इसका आंसर ए क्यों हुआ, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना जो है आपका जो है ये पता नहीं लग पाएगा आपको कि कैसे जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी क्यों पूछ रही है। तो देखिए एनपीएस जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, ये PFRDA यानी कि पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो है मैनेज की जाती है, और इसमें हर सिटीजन जो है जो कि 18 से 60 साल के बीच में आता है वो रजिस्टर कर सक पाएगा इसमें। देखिए सिटीजन ध्यान में रखने वाला शब्द है, और इसके अलावा जो कंडीशन है कि वो ये होना चाहिए कि पर्सन को कंप्लाई करना चाहिए KYC नॉर्म से, और NRI जो है इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो कंडीशन है वो ये है कि अकाउंट जो है अगर क्लोज किया गया अगर NRI ने अपनी सिटीजनशिप में अगर कोई बदलाव किया तो जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, NPS कैन ओनली बी ज्वाइंड बाई इंडियन रेसिडेंट्स एंड नॉट बाई NRI, तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ और सीधे ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो यानी कि अगर आपको खाली ये पता होता कि ऑप्शन गलत है, इसको एलिमिनेट करके आप सीधे सीधे ए आंसर पे जो है पहुंच जाते। तो यही ट्रिक्स आपको समझाने के लिए जो है ये हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्विफ्ट टर्म रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। दोस्तों जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, और इसके बाद सीधे कमेंट सेक्शन में जो है आप आंसर लिख दीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि वास्तव में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी किस हिसाब की हो रही है। तो ये कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बैंक एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज से। तो दोस्तों स्विफ्ट क्या है, वो बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। अभी आप ही ने, आपको पता होगा हाल ही में कि जो है अमेरिका ने जो है अपने जो स्विफ्ट ट्रांजेक्शन है उससे जो है ईरान को जो है बाहर कर दिया था, कि अगर कोई भी जो है ट्रांजेक्शन जो होगा वो ईरान का इसमें नहीं होगा, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के ज़रिए नहीं होगा। उसके बाद जो है इंडिया ने जो ट्रांजेक्शन किया था वो रुपी रूबल, आपने सुना होगा रुपी रूबल ट्रांजेक्शन इसके ज़रिए किया था। इसके अलावा जो है बात की जा रही थी कि जो है ईरान के लिए अलग से एक वो बनाया जाएगा, और सऊदी अरब के लिए अलग से एक वो बनाया जाएगा ट्रांजेक्शन सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे, जिस पे बात चल रही है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि इसी ऑप्शन क्यों हुआ। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो क्या है दोस्तों, वो ये कॉपरेटिव यूटिलिटी है जो कि सिक्योर करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विसेज कहाँ पर, और ये पूरे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को जो है फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात स्विफ्ट के लिए है वो ये है कि ये सर्विसेज जो कस्टमर को ये क्या करता है, मैसेजिंग सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए एक स्विफ्ट जो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट देता है। इसके अलावा देखिए स्विफ्ट जो होता है इंडिया का, स्विफ्ट इंडिया इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ टॉप इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ये जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा जो कंपनी इसमें बनाई गई है वो हाई वैल्यू डोमेस्टिक फिजिकल और मैसेजिंग सर्विस जो है फाइनेंशियल कम्युनिटी के लिए बनाती है। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 जो है वो आपका किसके बारे में है,
वो है आपका इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लॉजेस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैव बीन इफेक्टिवली यूज टू डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन फॉर इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज। तो इसके अलावा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और एम्प्लॉय सर्टेन सेफ गार्ड इन ESZ यानी कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान में रखने वाली बात है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा जाता तो ये भी सही हो जाती, ये भी सही हो जाती। अब दूसरा, तीसरा देखिए, टर्म इको सेंसिटिव जोन इज डिफाइंड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये क्लियरली तो डिफाइंड नहीं है दोस्तों, तो यही इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इको सेंसिटिव जोन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएट काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज, तो दोस्तों ये भी निश्चित तौर पे सही है। तो इसका आंसर निश्चित तौर पे सी है। तो सी का अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द सेक्शन 3(2)(v) एंड सेक्शन 3(5) हैव बीन इफेक्टिवली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। इसके अलावा देखिए, सेम क्राइटेरिया गवर्नमेंट के जो है यूज़ करती है, नो डेवलपमेंट जोन, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके की जो है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और जो है अन्य चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रकार का जो है मतलब नो डेवलपमेंट जोन जो है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बनाती है। इसके अलावा देखिए, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन को जो है वो हार्म करता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसमें कहीं भी जो है इको सेंसिटिव जोन का क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। किस तरीके से दोस्तों, देखिए इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, मान लीजिए कि ये बफर जोन है, ये कोर जोन है, ये बफर जोन है, ये कोर एरिया है। तो ये जो मतलब ये जो कोर एरिया है और ये बफर जोन है, जो ये बफर जोन है, ये क्या होगा, ये कोर जोन के बाहर वो एरिया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये देखिए ये बफर जोन है और ये कोर जोन है और ये बफर जोन है। अब ये बफर जोन क्या है, ये कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बफर जोन बनाया जाता है, ताकि जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो कि इस एरिया में जो है बहुत सा प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें बहुत सी स्पीसीज हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बफर जोन और कोर जोन में जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेटअप किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस नेशन के साथ है। तो दोस्तों इसका आप ऑप्शन क्या है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सी। तो इस पे जाके इसके वो देख लेते हैं, हैंड इन 2019 जो है वो 8th मॉक ड्रिल है, एक 8th ड्रिल है इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइनीज ट्रूप जो है 14 डे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उरमोई में कंडक्ट करेंगे मेघालय में, जो कि 7 दिसंबर में जो है और होगा। इसके अलावा इसका जो बेसिक गेम होगा वो काउंटर टेररिज्म होगा। यूपीएससी के हिसाब से आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, मगर स्टेट पीएससी के हिसाब से आपके लिए ये कहाँ हुई, उरमोई मेघालय में हुई और दिसंबर 7 को ये हुई, और ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। अब देखिए, मैप बेसिस पे हम आ जाते हैं कि डेड सी इज़ लॉक्ड बिटवीन टू नेशंस, कौन से नेशंस के बीच में लॉक्ड है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे लॉक्ड है। इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में। तो इसराइल और जॉर्डन कहाँ पे हैं, ये आपको मैं मैप में दिखाने वाला हूँ। तो डेड सी जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ पे, इसराइल और जॉर्डन के बीच में। ये बॉर्डर का पार्ट बनाता है जो कि टू कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा देखिए, डेड सी जो है जॉर्डन रिवर के किनारे है, इसके जो साइड में लेक है वो नॉर्थ लेक से वो करती है। अब मैं इसके मैप पे आ जाता हूँ कि इसका मैप कैसा है। देखिए, इसका जो मैप है उसमें डेड सी आपको दिख रही होगी,
ये साइड में जॉर्डन दिख रहा होगा, इसराइल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जॉर्डन है, इसराइल है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, और वहीं पे जो मेडिटेरेनियन सी है वो इस तरफ है। तो ये मैप आप लोग जो है स्क्रीनशॉट के तौर पर ज़रूर ले लें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मैं कल से ये जो डेली क्वेश्चन सीरीज़ है वो आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। तो कृपया हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और कोई भी अगर आपको नई चीज़ चाहिए तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।